नाम गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, खुश रहो बेटा, यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। वो मस्त रहो। और डीएनए में 4 लोग हैं, जौनपुर से आए हैं। अच्छा, खुश हो बेटा, खुश दिखाइए। ये बेटा आपके तमाम कष्ट थे, सब स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हुई जड़ से। बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, कंधों में चुभन, दर्द, भारीपन रहना, दम घुटने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन, गांठें, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, अंडकोश में सूजन, किडनी श्रिंक हो रही थी, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, यूरिन में इन्फेक्शन, पेशाब से धातु जाना, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, हत्या, आत्महत्या के विचार आना, मेनिनजाइटिस की स्मृतियाँ थी, घाव बन रहे थे मस्तिष्क में, लीवर में, अंडकोश में, पैनक्रियास में और कोलोन में, कैंसर की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में, प्रोस्टेट में, लंग्स में, रक्त में और लिम्फेटिक सिस्टम में। कल महावन भी करो, दरबार की ओर से जो कराया जाता है असाध्य रोगों के लिए, उसमें आप हो जाओ, परिवार के 2 सदस्य और जोड़ के करिए महावन अपना, ताकि असाध्य रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाए। ठीक है, कल करिए बेटा फटाफट। गुरुदेव, एक प्रश्न था। हाँ बोलो बेटे। गुरुदेव, परम पूजनी बाबा जी जो तंत्र के किस लेवल पे जाके पूर्णता को प्राप्त हुए, मतलब कहाँ पूर्ण गुरु हुए? वहाँ कोई लेवल नहीं है, जो अनंत है वहाँ कोई लेवल नहीं है ना, अनंत आकाश का कोई लेवल नहीं है। लेवल तो वहाँ है, एक सीढ़ी चढ़ेगी, 4 चढ़ेगी, 10 चढ़े है, ऐसा है। तो अनंत का लेवल ही नहीं, पूर्णता में कोई लेवल नहीं होता है ना। गुरुदेव, एक प्रश्न और था, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। आप शब्दों को केवल माने रहो, मुक्ति जो आप चाहते हो उससे होती है, और मोक्ष स्वतः होता है। मोक्ष एक घटना है, है? मुक्ति एक क्रिया है, दोनों में इतना ही फर्क है। जो मोक्ष है उसको साधारण भाषा में ऐसे कर लिया जाए जहाँ कोई प्रश्न नहीं बचता है, जहाँ कोई प्रश्न नहीं बचता, जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बचती, जहाँ कोई दुख नहीं बचता, ठीक है, वो मोक्ष है। और मुक्ति किसी एक चीज से पाई जाती है, ऐसे मुक्तियाँ 6 प्रकार की अलग अलग मुक्तियाँ हैं, वो विषय है एक लंबा चर्चा का। लेकिन अभी क्या होता है कि जो आप चीजें मन में रखते हो कि ये कष्ट है, वो कष्ट है, ये कष्ट है, वो कष्ट है, इन सभी से मुक्ति पाने का धीरे धीरे बहुत बड़ा जो गठजोड़ है वो मोक्ष है ना। कुछ गुरुदेव, एक प्रश्न और है बेटा। कितने प्रश्न करोगे यार, लोग लाइन में बैठे हुए, नेट जा रहा है, नेट गड़बड़ा रहा है, कहीं नेट फिर बंद हो जाए, सब बैठे रह जाएंगे बेचारे। बोलो 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 बोलो, तुम्हारा प्रश्न आ जाए, बोलो बोलो बोलो। गुरुदेव, जैसे आप बोल रहे थे कि गुरु को, गुरु से पूर्ण समर्पण के लिए इच्छा विचार आशाओं से मुक्त होना पड़ता है, या जिज्ञासा भी समाप्त होनी होती है? ऐसा नहीं है। क्या होता है कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए रास्ता है वो केवल प्रयास से ही नहीं मिलता है, उसके लिए गुरु कृपा बहुत आवश्यक। हम ये कहते हैं गुरु की कृपा तब प्राप्त होती जब आपका समर्पण होता है पूर्णता में। जब आप समर्पण करते हैं तो गुरु कृपा प्राप्त होती है, और जब गुरु कृपा प्राप्त होती है तो फिर आप इच्छा विचार आशाओं से मुक्त हो जाते हैं, है ना। और जो इच्छा विचार आशाओं से मुक्त हो जाते हैं उसे ही समाधि कहते हैं। समय से पार चले जाना ऐसी घटना घटित है, समाधि भी एक घटना है ना। समाधि का अर्थ है समय आदि, मतलब समय से पार चले जाए, टाइम जोन क्रॉस कर, समझ रहे हैं।
तो वहाँ इच्छा विचार आशाएं सब शून्य हो जाती है। ऐसे हो जाता है जैसे समझो कि पूरी पृथ्वी है और फिर आप अकेले खड़े हैं, कोई नहीं धरती, आकाश के नीचे ऊपर आकाश के नीचे धरती, आप एकदम अकेले। ये कौन सी घटना हुई? समय आदि समय के पार चले जाने, समझ रहे? कैसा लगे कुछ समझ? अकेले हो गए धरती में, कोई नहीं, बिल्कुल अकेले खड़े हो, क्या भाव आएंगे? कुछ संपर्क ऐसे प्रश्न ढूंढो के लायक और अच्छी बात। धन्यवाद। जय जय राधा रमण।